नमस्कार, आइए आज हम बनाएंगे बैंगन का ठंडा भरता। बचपन में अक्सर मेरे पापा बहुत बनाया करते थे और हम सभी को बहुत पसंद आता था। ये यूपी की ट्रेडिशनल डिश है जिसको लोग सभी वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं और गांव में अक्सर इसे लोग बैंगन की चटनी के रूप में खाते हैं जो कि भून के बनाया जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि बैंगन का ठंडा भरता कैसे बनाते हैं। ठंडे भरते के लिए हमने लिए हैं 3 बैंगन, इनको धो लिया अच्छे से, और 2 लहसुन, साबुत लहसुन क्योंकि हम सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे, और प्याज मीडियम साइज के 6 प्याज लिए हैं मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्ची और 5 टमाटर मीडियम साइज के, और ये सरसों का तेल। इसमें हम सब तरफ ऑयल लगा देंगे। हम इनको इस तरह से घुमा घुमा के भूनते जाएंगे, ऐसे चारों तरफ से हमें भूनना है। तो देखिए भुनने स्टार्ट हो गया भुनना। इनको हम पलट देंगे। टमाटर को भी हमें इसी तरह से पलट पलट के भूनना है सब तरफ से। इनको हम सब तरफ से पलट पलट के भून लेंगे। टमाटर बहुत जल्दी भूनते हैं तो इसको बार बार ध्यान से पलटते जाइए। और हम बैंगन को भी इसी तरह घुमा घुमा कर भून लेंगे। ध्यान रखिए बैंगन थोड़ा, कभी हमें आंच तेज भी करनी है, कभी बहुत मीडियम रखनी है। इसी तरह से टमाटर बहुत जल्दी भून जाते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए भून के करीबन तैयार हो चुके हैं। बैंगन को भी हम साथ में ही पलटते जाएंगे। अभी हमें प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची को भी इसी तरह रोस्ट करना है। तो ये देखिए बैंगन भून के तैयार हैं, ये पूरी तरह से भून चुके हैं, टमाटर भी। पहले हम टमाटर को अलग एक थाली में निकाल लेंगे और इस पे अब वापस प्याज और लहसुन रख देंगे। ये प्याज और लहसुन की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वाद के अनुसार। ये देखिए इस तरह से बैंगन भुन जाएगा, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल अंदर से रोस्ट होके गल जाता है। अब हम थोड़ा ठंडा होने पर इसके ऊपर के छिलके निकाल देंगे। प्याज भी भून के तैयार है, लहसुन भून चुका है, ये सभी चीज़ें रोस्ट हो जाती हैं तो भरते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम फ्रेश रेड चिली को भी हम इस तरह से भून लेंगे, हल्का भूनेंगे बहुत, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूनती है ये। इसको हम थोड़ी सी तेज फ्लेम करके ये मैंने ड्राई मसाले में सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया, सरसों, दाना मेथी लिया है और सिर्फ हमें दाना मेथी और सरसों को 1/2 टेबल स्पून लेना है, बाकी 1 टेबल स्पून। तो अब हम इसके ये सभी ब्लैक ऊपर जो कवर आ गया है वो हम निकाल देंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने पर भी निकालिए तो थोड़ा इजीली निकल जाते हैं। ये देखिए प्याज को भी हम इस तरह से साफ कर लेंगे।
ये भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे जो बनाते थे हमारे घर में, वो तो चूल्हे पर इन चीज़ों को भूनते थे, सिगड़ी पे या चूल्हे पे, तो और भी अच्छा टेस्ट आता था। मिर्ची भी देखिए भून के गल चुकी है। इसको ठंडा भरता इसलिए कहते हैं कि हम इसका जो मसाला है वो गैस पे कढ़ाई में मतलब ऑयल डाल के भूनते नहीं हैं इसको, जैसे हम ग्रेवी बनाते हैं जो और सभी सब्जियों की, इसमें नहीं बनाते हम। इसीलिए इसको बहुत से लोग चटनी भी बोलते हैं, बैंगन की चटनी। तो एक एक पीस मैं आपको खोल के बता दूंगी किस तरह से अंदर से पक चुका है। तो देखिए बैंगन भी पक चुका है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन की कली भी इसी तरह से रोस्ट हो जाती है। अब ये ड्राई मसाला जो हमने लिया था वो भून लिया है, मैंने रोस्ट कर लिया है इसको हल्का सा भून के। सबसे पहले मैं प्याज को और जो रेड चिली ली थी मैंने फ्रेश, आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं, इनको मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ की सहायता से बारीक कट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें बैंगन को भी बारीक बारीक चॉप करना है, चाहे आप पाव भाजी मेशर से करिए, जितना मैश करना है आपको उतना, अगर थोड़े पीसेज रखने हैं तो पीसेज रखिए। मैं इस तरह से नाइफ से कर रही हूँ, आप चाहें तो पाव भाजी मैशर से बहुत अच्छा मैश होता है उससे भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें, प्याज भी, हरी मिर्ची भी, बैंगन भी। तो ये देखिए मैश होके तैयार है। अब मैंने ये चॉप कर लिया था प्याज और हरी मिर्च को, ये ड्राई मसाला मिक्सी में पीस लिया था, और टमाटर और लहसुन को हमने मिक्सर में दरदरा पीसा है। ये गार्निश के लिए धनिया और नींबू फ्लेवर के लिए नींबू लिया है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में ये रोस्टेड किए हुए जो बैंगन हैं उनको ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद इसमें प्याज और चिली ऐड करेंगे। अब हमें इसको गैस पे बिल्कुल नहीं पकाना है, इसीलिए इसको ठंडा भरता कहते हैं। और ये पेस्ट, लहसुन और टमाटर का दरदरा पेस्ट, इसको भी मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ये रोस्ट किया हुआ मसाला जो हमने सभी खड़े मसाले लिए थे, वो स्वाद के अनुसार नमक, टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी रेड चिली आप चाहें तो यूज़ करिए, या काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं आप, इन सब चीज़ों को मिला देंगे। तो ये देखिए रोस्टेड भरता, ठंडा भरता तैयार हो चुका है। अब बस हम इसमें लगाएंगे हींग का तड़का और सरसों के तेल का। हमारे पापा तो डायरेक्ट कच्चा सरसों का तेल डलवाते थे, लेकिन आजकल सभी लोग उसकी स्मेल कच्चे तेल की पसंद नहीं करते, इसलिए मैं गरम करके और हींग डाल के इसको यूज़ कर रही हूँ इस तरह से, जिससे कि हींग का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। पहले हम भरते के साथ ही हींग को बैंगन में अंदर दबा के भून लेते थे और थोड़ा सा ढक देंगे जिससे कि ये हींग का फ्लेवर उसमें बन जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तड़का लगाते ही थोड़ा ढक दीजिए। और अब ये भरता तैयार है, सभी चीज़ों को मिक्स करके ठंडा भरता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप इसको चटनी भी कह सकते हैं, पर मैं ठंडा भरता ही कहती हूँ क्योंकि मैंने इसको बचपन से ठंडे भरते के नाम से ही खाया है। अब हम इसमें हरा धनिया और नींबू से इसको गार्निश करेंगे। नींबू का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप खाइए तभी यूज़ करिए नींबू, पहले से मत ऐड करिए। तो ये देखिए बनकर तैयार है, आप भी बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए आज हमने कितनी आसान विधि से बैंगन का ठंडा भरता बनाया, या कहिए कि बैंगन की चटनी, गांव की भाषा में बैंगन की चटनी बनाई। तो अगर मेरी वीडियो या रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मेरी एक अपने सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो देखते हैं पर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बताइए कि मेरी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं, आपको मेरे से कौन कौन सी रेसिपीज़ और सीखनी हैं। तो आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। नमस्कार।